प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। दिव्यांग संघ की हुई बैठक, दिव्यांगों की समस्याओं पर हुई चर्चा। जिले में डेंगू का कहर जारी, नए केस के बाद स्वस्थ हुआ विभाग अलर्ट। बख्तियारपुर रेलखंड पर हुआ बड़ा हादसा, ट्रेन से गिरकर हुई युवक की मौत, पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही नर्तकी का संचालक ने बनाया वीडियो, महिला ने किया ब्लैकमेल करने की शिकायत दर्ज। शराब के खिलाफ पुलिस ने किया छापेमारी, पुलिस को देख तालाब में कूदा युवक। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर मोतिहारी से है, जहां पुलिस को देख भाग रहा एक युवक तालाब में कूद गया, जिसके बाद तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। बता दें, शराब के खिलाफ पुलिस छापेमारी करने गई थी, इस दौरान ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला और ग्रामीणों ने पथराव करना शुरू कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने NH-27 पर जमकर हंगामा शुरू किया। पीछे में है वो है एक्साइज वाला रला कसर अले के घाट के सिक्के के ढा के गाड़ी खोल के हमरा दुकान के सिक्के से फिरा रहा। हमरा ना मालूम जे नी तिसवे के डाला क चप्पल से चिन्हाइल हम मोबाइल से। अरे नीतीश कहां था पहले, कहां था इसके पहले? मुजफ्फरपुर समरहालय सभागार में प्रखंड स्तरीय दिव्यांग संघ की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में PWD के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष सहित दर्जनों की संख्या में दिव्यांग जन मौजूद रहे और दिव्यांगों के साथ बैठक कर प्रखंड स्तरीय संघ का गठन किया। बैठक के दौरान दिव्यांगों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई और सामाजिक सुरक्षा के वर्तमान पेंशन में वृद्धि और राशन, साथ ही दिव्यांगों को मनरेगा और जीविका से जोड़कर रोजगार एवं लोन उपलब्ध कराने सहित अन्य समस्याओं की मांग रखने का प्रयास रखा गया। सभी को हम लोग मनोनीत कर दिए हैं कि सरकार के द्वारा जिसमें जो इन लोग के सहयोग के लिए योजनाएँ जो चल रही है उसको और हम लोग तेज गति से ला रहे हैं। और सिविल सर्जन के यहाँ भी जो समस्या थी, जो श्रवण बाधित है उनके टेस्टिंग कराने के लिए जो समस्याएं हैं लिखे कर उनको रखना है और जिसके पास जो भी समस्या है उनको दूर करने का सारे पदाधिकारी ने आश्वासन दिया। उम्मीद है कि आगे जारी रहेगा। इसके लिए मैं बाकी दिव्यांग भाइयों को ये कहना चाहूँगा, इसमें अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद अगर चयन होगा इतना तो गारंटी रखिए कि कहीं कोई घूस नहीं लगता, किसी भी तरह की कोई बात नहीं होती है। आपका चयन होगा तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, और काम करिए और आगे भी लोगों को जागरूक करिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से डेंगू के केस में बढ़ोतरी हुई और आधा दर्जन केस की पुष्टि के बाद जिले में आंकड़ा बढ़कर 57 हो गया, जिसके बाद सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में 57 केस अब तक आए हैं, जिसमें कुछ की पुष्टि हाल ही में हुई है, जिसके बाद संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है। विशेष रूप से छठ महापर्व में बाहर से आने वाले लोगों में डेंगू के मामले को रेलवे स्टेशनों पर अन्य जगहों पर अब जांच में तेजी लाए जाने के साथ निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एंटी लार्वा फॉक्सिंग सहित विशेष निगरानी के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। चुके हैं, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है और बचाव के लिए सब जगह केमिकल्स का छिड़काव हो रहा है और जहां जहां केस है उसके फेरी में 500 मीटर के रेडियस में
फॉगिंग का व्यवस्था हो रहा है मेरा फैमिली में। जो इसमें अभी एक्टिव केस भी हैं क्या? कोई एक्टिव केस नहीं, सब मरीज ठीक हैं? सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पर्व त्यौहार का भी समय आ रहा है, ऐसे में इसमें टेस्टिंग करके, इसमें टेस्टिंग को हम लोग दोनों टेस्टिंग को, डेंगू का टेस्टिंग को और कोविड का टेस्टिंग को, दोनों को हम लोग बढ़ा दिए हैं। खबर नालंदा से है, जहां राजगीर बख्तियारपुर रेल खंड के पावापुरी तुंगी हॉल्ट के बीच एएमयू ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक युवक की पहचान नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के विजयपन पर गांव निवासी के रूप में की गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार के यहाँ गया हुआ था बख्तियारपुर, और बख्तियारपुर से जो ट्रेन डीएमयू आती है, बख्तियारपुर पैसेंजर गया जाती है, वो उसी पर वो आ रहा था। और पावापुरी होल्ट के पहले ट्रेन स्लो होता है, तो उसको ऐसा लगा कि ट्रेन रुकने वाला है, अटेंडम भीड़ भाड़ के चलते नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद उसका खबर सहरसा से है, जहां सदर थाना क्षेत्र के बटराहा के भारती नगर में रहने वाले एक युवक की पत्नी ने अपने साथ बलात्कार किए जाने और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने के साथ ब्लैकमेल करने की शिकायत महिला थाने में दर्ज कराया है, जिसके बाद महिला थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जाँच के बाद मामला दर्ज होगा और आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। सहरसा से मैं डांसर हूँ, एक लड़का है जो हम लोग का ऑर्गेनाइज़र है जिसका नाम दिलवर कुमार है, वो मेरे साथ रेप किया और ज़बरदस्ती मेरे घर से पैसा वगैरह लेके चला गया, मेरा ज्वेलरी वगैरह सब ले चल गया और किसी को बताने से धमकी दे रखा है कि किसी को बताओगे तो तुम्हारे हस्बैंड को मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, तुम्हारा फ़ोटो भी वायरल कर देंगे। वो मेरा फ़ोटो खींच लिया, मुझे फ्री नेट के साथ आया था, मेरे को बंदूक से डराया और बोला कि अगर किसी को तुम बताओगे तो तुम्हारे हस्बैंड को भी मार देंगे, सब बात बोला। हम लोग सदर थाना गए तो सदर थाना से हम लोग को महिला थाना भेजा, मैं न्याय चाहती हूँ। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।